हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम सारा ने, कैसे हो भाई? उम्मीद करूँ जमा बढ़िया होगी और मौज मजे में होगी। मैं भी जमा बढ़िया हूँ। और आज के व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। तो काम धाम मेरे सारे निमट गए हैं, रोटी बना दी है, सब ने खा लिया, बस मैं रह रही हूँ। मैं एक बनाया हूँ और फिर जोत बत्ती करके फिर रोटी खाऊँगी, तो फिर मिलूँगी आपने। चढ़ाऊंगा मेरे ऊपर ध्यान लग दी। पांच के लट्टू के मार गिर जाएगा। अच्छा तो रह गया बागड़ का। हाँ, ये ऊपर तो साफ नहीं करके लाऊं। मेरे बाद इतना चलाओ, मेरे बाद इतना तो बहुत ही मारा। बीच बीच में चला देंगे ये तो। हाँ, तेरी ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, वो चला लेती। नहीं नहीं करवा दी भैया, टाइ दी धूल की। कमरा साफ करो। हमने हाँ अच्छे को कुछ नहीं दिस कभी नहीं। एक काम छेड़ा से फिर धूल सी लग गई, दिखी सारे का तस्वीर के साफ करे दे। हाँ, जाले जुले दीवारा पर करना ना निन्नी हो जाए करे में, और यह दूल के ये ऊपर ले कौन आ गए बड़े तो उससे तो साफ होंगे। जाला आला दे झाड़ू तो हो जाए सीढ़ी चढ़ जाए फिर चारो कौन हम सीढ़ी को बोले एक सीढ़ी पे एक जब बीच में ला दूंगा तो लगन खा जाएगी। तो बात बता लिए कवाड़ा दबा करो जिन ऊपर फलाना इन्ना छोड़ा
कमरा की। यो एरिया भी साफ करा पूरा झाड़ के, इसके ऊपर अखबार थे, एक कपड़ा बनाया है वो बचाया है, और ये थोड़े ही सेट करें। एक टूट रहा था गमला, वो फेंक दिया। और एक ऊपर का एरिया भी उड़े पूरी धूल दबाट गंदमाज रहा था, क्योंकि वो के बारे ना दिवाली ने भी वो कमरा बहुत कम होने पाया। मैंने नीचे का वो जूते वुत्या कारिया अलमारी तक कर दी थी, और अलमारी तो भी हो गई है जड्डा के लत्ते दरी गई गर्मियाँ की दरी। और उस टाइम पर के हुआ मैं लग रही थी अलग अलग करके परला कमरा कर दिया था, बैठक कर दी थी इसका। बस ये हुआ था जो मतलब यह जो अलमारी है ना इसका यू नीचे का एरिया जूते वुत्या कारी वो करा था साफ, बाकी इसका कुछ भी साफ नहीं हुआ था, ना ड्रेसिंग ना यू एरिया ना अलमारी का ऊपर का। फिर उस टाइम पे अमित का एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं घर ने चली गई थी। तो बहुत सारे बंदे नए जुड़ रहे हैं भाई, तो उन्हें बता दूँ अमित मेरा भाई है, और उसका उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़े वाला, वीडियो भी डाल रखी है आप देख भी सको। तो उस टाइम पे मोड़ चली गई, फिर जो रह गया वो रह गया, तो बहुत उदमसत रहा था कति धूल मिट्टी भी रहे है मोटा मोटा, मतलब एक कति गहराई तो दिवाली पे हो खैर। फिर उस टाइम पे वो होने नहीं पाई इस कमरा की, तो खासकर तो मैंने धीरे धीरे करके ड्रेसिंग भी हो गया ऊपर ऊपर का एरिया रह रहा था ये ड्रेसिंग वाला, यो भी आज बढ़िया टाल कर दिया है यो, क्योंकि इसमें संदीप लग बगा अपना काम ताले पाने का छोटा मोटा पेंच वेंच मतलब जो भी इसका सामान होगा, तो आज वो करना था शाम ने तब भूज बाज के यू भी साफ कर दिया। और वो ऊपर का एरिया ऐसा हो जाए सीढ़ी लगा कर वो है, तो सीढ़ी संदीप ने लगाई फिर कर, तो मैंने नहीं दिया था जो ऊपर का भी बारी सामान का था ठाड़ना तड़ना वो उसने करवा दिया, और यू भी साफ हो गया। बस ये लगभग कमरा हो गया साफ, और सारे जितने भी फोटो हैं ये उतार उतार के साफ करें। घड़ी पे लाड लग रही थी इन फोटो के नीचे, ये इस दीवार पे लगा दी, यार एक फोटो था वो उतार दिया वो दूसरी जगह लगा दिया, बाकी तो सामान उड़े ही बस। पूरा टाइम लाग जावे है इसमें भी, बस वो चादर और उतारूंगी मैं तो नुकी पड़ी है, क्योंकि सारा का जाड़ा है तो धूल मिट्टी की हो गया पूरी। वो भी इसने कई दिनों के बच्चे जड्डा की हरियाई गर्मियों की बिछा लेंगे इसने तार के, या दूजे की लत्ते के लिए डस्टिंग हो रहेगी पूरी धूल। देखो डस्टिंग ना करी है मैंने, बस ये धूल दिखाऊँ देखो आपने पूरी। यो काम रह रहा है पहले मैं रोटी आगा कर दी हूँ, क्योंकि सवा सात का टाइम हो गया है। बर्तन बर्तन तो मैं धोई थी, बस रोटी सब्जी करनी है, तो सब्जी बनाऊंगी आज भिंडी की। मैं फटाफट तक काट दी हूँ और छोक दी हूँ, फिर बस रोटी रोटी रह जाएंगी। हार्दिक बीबी रानी सुबह दो तीन नू पेट के सुंडी कार बार नू दफड़ से दिखें, तो छोटे छोटे ना सोचे माचल लड़का हुआ लोग तक हो रहा था। दिन में थोड़े ही ज़्यादा तक लग गए, तो मेरे पे के ट्यूब सी थी लगान की रैसेज वगैरह के, इससे की थी हार्दिक की पहले की, तो वह लगा दी थी, तो भी आराम ना हुआ। एक दो बार तेल भी लगा दिया तो भी आराम ना हुआ। शाम ने भी वह लगा ली, ये पाउडर भी लगा दिया लगातार, फिर छोटे माचे रुपये बढ़ते बढ़ते जान लग रहे हैं। देख दिखाऊँ आपने, दिखाई हार्दिक देखो ये पूरे हट आते खुसोटनी मत करे, खुसोटनी नहीं करनी, मतलब इस हिस्सा के सुंडी के जो गुर्दू के और मत खुरे, दवाई भी लगा दी पाउडर भी लगा दी, पर खाज खुरन तो नहीं मरता। मैं कदे तड़के थी गणे हो जा दिखी दादी भी कहे एक बार दिखा लिया, वो तो यार एक थोड़ी ही नज़दीक से एक डॉक्टर बताओ ना उसको एक बार दिखाई लाऊँ। हम कदम रात ने वो खोरी हजार गणा हो जाए तो मैं दवाई गोली कुछ दे देगा, और जो है लगाई थी मैंने यह ट्यूब ले जाऊँगी। संदीप ने कहूँ उसका फोन आ रहा बढ़न जा रहा है बुलाने, और टाइम हो गया है 8:30 का, रोटी टाइम ने बना ली खाई नहीं है भी किसी ने, फिर पहले इसे दिखा लाऊँ पच्छे खाऊँगे। कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया आपको, खुजली डॉक्टर जा रहे थे बाहर किते, तो बोला 10-15 मिनट लग गए कि इतने बैठ के करा भाई वेट, और फिर जल्दी आ भी गए थे तो ले ली दवाई। एक बार खाना दो बस नॉर्मल ये
ठीक है ना, यही होती है बच्चों की। ये दवाई कितनी बार लगानी है? सुबह शाम लगा दो, एक बार अभी लगा दो। नहीं नहीं आगे घर पे जाके खाना खाके दवाई ले लेना, ठीक है? पला नहीं बनी ही नहीं किया। फिर सोई सोई करना, ओके? बारी कर दो फिर इसे अपनी कैसे जो गोबर खानी। हेलो, कैसे हो? बात का नाम नहीं लिख रहा है, फीस तो बटोड़ ली। तो भी आती है पहला हार्दिक ती दवाई देवा। हाँ मखा रोटी बिना खाई थी किसी ने, पर मैं पाछे खावांगे इस ती दे दवाई इतने थोड़ा 10-15 मिनट में कुछ तो आराम होएगा, क्योंकि वो कती है जकना ले था लगता पाड़े था कुछ पूरा हिस्सा लाल हो गया था, आपती दिखाया भी था और बिल्कुल मतलब वो तो थोड़ा को और पहला आएगा था अरे लग गाड़ी में भी गया नहीं पाड़ता रहता मुश्किल मुश्किल तो बड़ो बड़ो नखून भी सके। मैंने दिन में काट दिए थे मैं उनका जहर ना चढ़ दिन में दवाई भी कई लगाई और भी चिकना लगाया पाउडर भी डाला पर कुछ भी आराम ना होया। फिर दवाई ये लगाई